हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जैसे मैंने लिखा है टाइटल पर, डिविडेंड प्लस अच्छे रिजल्ट, गुड रिजल्ट्स इक्वल मल्टीबैगर स्टॉक, राइट दोस्तों। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, और मैंने ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक है फ्यूचर का, जो आपको 192-200 लगातार अपडेट दिया कि स्टॉक को आप बाय करके चलिए चलिए चलिए। पता नहीं आप लोगों ने स्टॉक को बाय किया या नहीं किया, और कल स्टॉक ऑलमोस्ट 5% अप था। रीज़न क्या है दोस्तों, कंपनी जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 25 पैसे के आसपास का डिविडेंड देने वाली है, और साथ में कंपनी के रिजल्ट्स आउट हुए 20 मई के आसपास, और रिजल्ट में कंपनी के जो प्राइस था, जो उसके प्रॉफिट्स थे वो काफ़ी शानदार आए। शानदार कहने का मतलब अगर कंपेयर करते हो उसके लास्ट क्वार्टर से और उसके लास्ट ईयर के, तो काफ़ी ठीक ठाक प्रॉफिट्स हैं। मतलब लगातार जो अर्निंग पर शेयर है EPS, ठीक है, वो लगातार एक ग्रोथ दिखा रहा है। इसका मतलब स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक भागने वाला है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था भाई, जो भी स्टॉक्स मैं आपको देता हूँ, बहुत लोग मुझे कहते हैं सर आप पैनी स्टॉक के ऊपर वीडियोस बनाते हो लेकिन बड़े स्टॉक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाते। दोस्तों देखिए, ये स्टॉक था 192-200 रुपये के आसपास। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने ने स्टॉक को बाय किया या नहीं किया, मुझे जानना भी नहीं है वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने बाय किया भी है तो अच्छी बात है भाई, अच्छा पैसा बना होगा, और आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। मैंने आपको बहुत बार बोला भाई, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, सिप लगाते हो, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स को बाय करो जो स्टॉक्स मैं आपको दे रहा हूँ। देखो मैं आपको यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे हर वीडियोज़ में स्टॉक को बाय करो, मर्जी आपकी। अगर आप खुद की रिसर्च कर सकते हो तो भाई करो, नहीं करी जाती रिसर्च तो मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है, हर संडे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ सिखाता हूँ, और उस सिखाने के बदले में मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, वो है लाइक शेयर। इस वीडियो को शेयर करो, हमारे दूसरे वीडियो को शेयर करो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। अगर एक काम रेगुलर करते जाओगे तो फ्यूचर में बहुत जल्द हम बहुत कुछ सोचा है, ठीक है, लाइव, अभी तो हम रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में लाइव क्लासेस किया करेंगे। मोर देन 200 व्यक्ति उस वीडियो को देखते हैं जो हमारी प्राइवेट क्लास होती है संडे वाली। अगर आपको उस क्लास को जानना है, देखना है, तो भाई आओ, वीडियो को शेयर करो, मोस्ट वेलकम है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मित्रों के साथ करो, फैमिली के साथ करो, जहाँ करना वहाँ करो, लेकिन करो, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा स्टॉक के नाम की तरफ, एंड देख लेते हैं कंपनी करती क्या है, और स्टॉक मुझे क्यों पसंद आया था, और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको कितने रुपये के टारगेट दिखा सकता है, तो देख लो आप खुद ही। देख सकते हो स्टॉक का नाम अभी आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर कट रहा होगा, मैं एक के आसपास ये वीडियो बनाया था। स्टॉक का नाम KNR कंस्ट्रक्शन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक कंस्ट्रक्शन फील्ड का स्टॉक है LNT, जो काम करती है सिमिलर काम का है आप बोल सकते हो, और काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। फ्यूचर में डेफिनेटली आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न देख के जा सकता है, और दोस्तों ऑलरेडी ये मल्टीबैगर स्टॉक है इसलिए मैंने स्टॉक आपको रिकमेंड किया था। साथ में दोस्तों स्टॉक में एक यू पैटर्न बन रहा था जिसके बेसिस में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और ये यू पैटर्न काफ़ी गजब का था। जैसे ही ये यू पैटर्न बना था, कंपनी का जो प्राइस था वो आधा हो गया था। क्यों? क्योंकि स्टॉक के मालिकों ने, मतलब कंपनी ने बोनस इश्यू किया था। जी दोस्तों, जो स्टॉक का प्राइस अभी आपको दिख रहा है 200 रुपये, ये ऑलमोस्ट आपका 400 रुपये होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने बोनस इशू किया था और उस बोनस पे हमने भी पार्टिसिपेट लिया था, ठीक है। अब आपको लेके चलता हूँ अभी के प्राइस की तरफ। दोस्तों आप देख सकते हो KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है, 227 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 5% स्टॉक ऊपर था राइट फ्राइडे को। एंड दोस्तों देख सकते हो क्लियरली कि भाई ये स्टॉक एक ऑलरेडी मल्टीबैगर स्टॉक है, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका ऑल टाइम लो दोस्तों देखिए 10 रुपये के आसपास था 2013 के आसपास, और आज की डेट में 227 रुपये, आप इसको डबल कर लीजिए क्योंकि स्टॉक ने बोनस भी दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 500 रुपये इसका प्राइस अभी चल रहा है। एंड दोस्तों देखिए क्लियरली स्टॉक ने एक अच्छा खासा यू पैटर्न बनाया था, और इसी यू पैटर्न के आसपास हमने आपको रिकमेंड किया था। दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने आपको बहुत बताया है जो यू पैटर्न होता है, या तो आप इसको ब्रेकआउट में बाय कर लो, या ये जब दोबारा टेस्ट करने आए तब आप बाय कीजिए। और दोस्तों स्टॉक ने 188 रुपये और 185 रुपये का टेस्ट किया था, आप देख सकते हो दोस्तों, ये रहा, इसी वजह से स्टॉक मैंने आपको दोबारा से 200 रुपये के आसपास वीडियो बना के अपडेट दिया था। देखिए दोस्तों ये रहा आपके सामने, स्टॉक ने दोबारा इस प्राइस को टेस्ट किया है, ठीक है, ये रहा, ये 180 रुपये और 190 रुपये का रेंज निकल के आता था। तो दोस्तों इसलिए कहता हूँ भाई, देखो अच्छे स्टॉक्स में जब भी आपको गिरावट दिखे ना, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, और मैंने खुद स्टॉक को दूसरे अकाउंट में 192 के प्राइस में बाय किया है,
ठीक है, दूसरे अकाउंट मतलब दूसरे अकाउंट में लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए कहता हूँ भाई, सोच समझ के अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करो, डेफिनेटली पैसा बनेगा। अब लेके चलता हूँ आज के कामकाज की तरफ, देख लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट इस बार, क्योंकि 20 मई के आसपास के प्रॉफिट रिजल्ट आउट हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं केनाल कंस्ट्रक्शन की डिविडेंड की। फाइनल डिविडेंड कंपनी दे रही है 25 पैसे के आसपास, ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है। तो मैटर नहीं करता कि आपको बाय डिविडेंड प्ले करो ना करो, ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है भैया। कंपनी प्रॉफिट से कुछ ना कुछ डिविडेंड आपको दे रही है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा तो होल्ड करो, डेफिनेटली पैसा बनेगा। ये तो अभी शुरुआत है भाई, फ्यूचर में अभी तो इसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो जो कंपनी का काम है, जिसमें मैंने आपको बताया L&T जो काम करते हैं, सेम काम स्टॉक का है, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, सब कुछ ये बनाती है। एंड दोस्तों मैंने आपको बताया था जो आपका बजट आया था 21 का, उसमें काफ़ी अच्छे प्रपोजल रखे गए थे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के लिए। तो भाई डेफिनेटली आप स्टॉक को उस वजह से भी राम में रख सकती हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा इनको मिलने वाला है, ठीक है, काम काज मिलने वाला है। अब ये बोल सकते हो साहब कंपनी ने, स्टॉक ने लास्ट 2 महीने पहले 2745 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बिन किया था। तो बात को समझो भाई, कंपनी की जो बुक वैल्यू है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बड़ी बुक वैल्यू है, ठीक है। अभी जो उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 5 सालों के लिए, तो उसको डेफिनेटली 5 साल तक तो कंपनी के प्रॉफिट आना निश्चित है। इसलिए आप स्टॉक को 5 सालों के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं मार्केट कैप की, 6405 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, हाई लो आप चेक कर सकते हो, आपके सामने है, ठीक है। अगर बात करता हूँ बुक वैल्यू को, इग्नोर करूँ अभी, ठीक है। ROC दोस्तों देखिए 21% के आसपास है, साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन है स्टॉक की, 23% के आसपास, और क्या चाहिए भाई। एंड दोस्तों आप देख सकते हो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की। दोस्तों आप देखिए ये मार्च आपको दिख रहा है 2021, ये परसों इसके रिजल्ट आउट हुए, कंपनी की जो सेल्स है लगातार बढ़ रही है, 991 करोड़ के आसपास की सेल्स मार्च के क्वार्टर में देखने को मिली है, ठीक है। अगर बात करते एक्सपेंसिस की तो दोस्तों देख सकते हो 769 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस देखने को मिला है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, 222 करोड़ के आसपास का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। एंड अगर बात करता हूँ नेट प्रॉफिट की, दोस्तों देखिए 105 करोड़ के आसपास का कंपनी ने आपका प्रॉफिट दिखाया है Q4 के नतीजों में। लास्ट क्वार्टर की बात करते हो तो 98 करोड़ का प्रॉफिट था, मतलब प्रॉफिट पे जंप आया है। अगर आप इसकी कंपेयर करते हो लास्ट ईयर के FY 2020 से, दोस्तों आप देख सकते हो ये रहा इसके जो प्रॉफिट से 86 करोड़ थे, और आज की डेट में 105 करोड़, इसका मतलब काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है लास्ट ईयर के कंपेरिजन से भी, और अभी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में से भी। तो डेफिनेट दोस्तों आप स्टॉक को डायर में रख सकती हो, अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ रहा है, आप देख सकते हो ये रहा। तो भाई कुछ मत करो, डेफिनेटली स्टॉक में पैसा लगाओ, डेफिनेटली पैसा बनेगा। आप मुझे नहीं पता भाई आपने 200 के प्राइस में एंट्री करी या नहीं करी, भगवान जाने, ठीक है। लेकिन भाई हमने आपको बहुत बड़ा अपडेट दिया, अब पता नहीं आप लोग सोते हो क्या करते हो, भगवान जाने, ठीक है। अब मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों आप सभी से कि वीडियो को शेयर क्यों करा करो। इसका रीज़न दोस्तों ये देखो, अगर आप शेयर करोगे तो भैया उन व्यक्तियों तक ये रीच वीडियो पहुँचेगी, रीच जाएगी जिनको पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में क्या करना है, समझ पा रहे हो। ताकि अगर आप चाहते हो किसी बंदे की हेल्प करना ना, तो वीडियो को शेयर करके हेल्प करो। मैं काम कर रहा हूँ अपना ज्ञान बांट के, अच्छे स्टॉक्स आपको देके कि भाई कहाँ एंट्री करनी है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, ऐसा कुछ आपको मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट के यूट्यूब चैनल पर कोई देता होगा लगातार अपडेट कि भैया इसमें ये आया, ऐसे करना ऐसे करना, इसका प्राइस एक्शन ऐसे बन रहा है। तो बात को समझो, डेफिनेटली स्टॉक को आप बाय करके होल्ड कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर बात करते हो स्टॉक में क्या बढ़िया है, बैलेंस शीट भी एकदम क्लीन बैलेंस शीट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी बात करते हुए किस किस का पैसा लगा है, तो सर देखिए 55% के आसपास आपके मालिकों का पैसा लगा है, 2% के आसपास आपके FII का पैसा लगा, ठीक है, साथ में 32% के आसपास आपके DII का पैसा लगा है। तो दोस्तों सारा समझो भाई, DII ने 32% का माल उठा रखा है। आप खुद सोचो जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाती है वो कौन है, DII होते हैं मोस्टली, ठीक है। एंड दोस्तों देख सकते हैं उन्होंने 32% की स्टेक यहाँ पर बाई कर रखी है, 32% बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। आप अगर यहाँ क्लिक करोगे तो आपको हर किसी म्यूचुअल फंड का नाम आराम से देखने को मिल जाएगा। तो भाई हर किसी ने स्टॉक में पैसा लगा रखा, तो आपके पीछे हो आप डायरेक्ट स्टॉक को बाय क्यों नहीं कर लेते। एंड पब्लिक की होल्डिंग मात्र 10% के आसपास है। तो दोस्तों रिजल्ट आने के बाद जो स्टॉक के मेरे टारगेट है, मैं आपको एक बार टारगेट बता देता हूँ। वैसे मैंने टारगेट स्टॉक में बताया नहीं आपको, एक सेकेंड है।
तो जैसे ही स्टॉक अपना लास्ट स्विंग लास्ट हाई तोड़ देगा 242 रुपीज का, डेफिनेटली आपको 320 और 340 रुपये के टारगेट बहुत जल्द ये स्टॉक दिखा सकता है। तो भाई ये स्टॉक डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, डिविडेंड दे रहा है अच्छा, प्लस अ गुड रिजल्ट है, इक्वल मल्टी बैगर स्टॉक, फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक है, ग्रैब कर लो अभी। अब पता नहीं भाई इस प्राइस में आपको बाय करना है या नहीं करना, आप मैं छोड़ता हूँ, लेकिन भाई हमने आपको काफ़ी बार अपडेट दिया कि स्टॉक को बाय करके चल सकती हो, इसलिए कहता हूँ भैया सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना, बाय।